एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस फिल्म को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कोर्ट ने इस फिल्म को रोक नहीं लगाने के फैसले के बाद आज ये फिल्म रिलीज हो गई। लेकिन इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एवं पुलिस के बीच फिल्म देखने को लेकर झड़प हो गई। दरअसल बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज सुबह मलार मेगा मॉल में द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म देखने पहुंचे थे। यहां पहले से ही हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस तैनात थी। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं एवं पुलिस के बीच थिएटर में घुसने को लेकर विवाद हो गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे थे और मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भड़के हुए थे। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच थिएटर के अंदर जाने को लेकर काफी हुज्जत भी हुई। कार्यकर्ताओं को अंदर दाखिल होने से रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। विवाद बढ़ते ही नारेबाजी शुरू हो गई। इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की पूरी फौज गाजे बाजे के साथ थिएटर पहुंची थी। अगर कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता फैलाते हैं तो युवा मोर्चा उसके लिए मुंह तोड़ जवाब देगा।